प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री रही उमा भारती शनिवार को उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। यहां उन्होंने गर्भगृह में पहुंचकर महाकाल का पूजन एवं अभिषेक किया। इसके बाद वे गर्भगृह में ही शिव आराधना में लीन दिखाई दी। उमा भारती कुछ देर नंदी हॉल में भी बैठी। पूजन अभिषेक के बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा की। चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि वह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगी। खास बात तो यह है कि उन्होंने कहा कि वे मध्य प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनकी देश के 5 राज्यों में कहीं से भी चुनाव जीतने की क्षमता है। इसलिए पार्टी जहां से टिकट देगी वहां से लड़ेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो चाहते हैं कि वह प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़े, परंतु उन्होंने मना कर दिया। पटवारी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर कहा कि यह शर्मनाक बात है, जांच चल रही है, जांच रिपोर्ट आने दीजिए। इस घटना पर शिवराज सिंह चौहान को बहुत दुख हुआ है। शिप्रा नदी को लेकर कहा कि जिस प्रकार भगवान विश्वनाथ के लिए गंगा है, भगवान ओंकारेश्वर के लिए नर्मदा है, उसी प्रकार वह महाकाल के लिए शिप्रा है। शिप्रा नदी को बहती हुई नदी बनाना चाहिए। चंद्रयान को लेकर कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है, दुनिया के जितने भी नेता इकट्ठे हो जाएं, मोदी जी का मुकाबला नहीं किया जा सकता, उनका कोई विकल्प नहीं है। हम किसी के लिए, मैं तो बीजेपी के लोगों को भी समझा रही हूँ कि कांग्रेस के लोगों का हर बात में मजाक मत बनाया करो। वो विपक्ष है, उनका लोकतंत्र में अपना एक अधिकार होता है, एक स्थान होता है। आपका स्थान लोगों के दिल में है, लोगों के दिल में बीजेपी बैठी हुई है, लोगों को बीजेपी का कोई दूसरे विकल्प नजर नहीं आता। सारे दुनिया के नेता इकट्ठे हो जाए, आप मुझे बताइए मोदी का कोई विकल्प है? क्योंकि मोदी किस अधिष्ठान पर खड़े हैं? राम और रोटी के। रोटी भी है, हिंदुत्व भी है, राष्ट्रवाद भी है, अच्छा डिफेंस भी है, स्वदेशी भी है। तो मुकाबला तो हेड से होगा ना, हाथ पांव कितने मजबूत हो, सिर ही गायब हो जाएगा, तो सिर तो है ही नहीं, तो इसलिए कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन प्रदेश में तो शिवराज सिंह अभी चेहरा दिखाई दे रहे हैं भाई, थोड़ा हाथ पीछे। शिवराज सिंह की चेहरा हमेशा से ही रहा है, और इन सब विषयों पर बोलना मेरा काम नहीं, बीडी शर्मा का काम है। मैं शिवराज जी का बहुत सम्मान करती हूँ, उनको बड़ा भाई मानती हूँ, और उनने जो शराबबंदी की, बस मैं यहाँ से लौट के गई और मुझे खुशखबर मिली। 18 के बाद जो मैं गई, मुझे खुशखबरी मिली और उससे मैं बहुत खुश हूँ। 2500 आते एक साथ गिरा दिए गए, ठीक है। अब रही बात क्या बोलते हैं, विवादास्पद दुकानें, शराब पी के चलना, इसमें पुलिस पूरे टाइम थोड़ी खड़ी रहेगी। थोड़ा नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के जो पार्षद हैं, जो जनपद पंचायतों के, जिला पंचायतों के सदस्य हैं, ये सारे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का, विधायकों का, सांसदों का काम क्या है कि वो इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करावें? इनकी खुद की मिली भगत नहीं होनी चाहिए? क्या डर सता रहा है कि बीजेपी की सरकार? नहीं, वो अपने आप को प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नहीं समझते, वो अपने आप को भाजपा का कार्यकर्ता समझते हैं। यही हमारे भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या है कि हम नेता नहीं समझते अपने आप को, कार्यकर्ता समझते हैं। तो कार्यकर्ता के नाते वो मेहनत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के नाते उनकी जिम्मेवारी है कि वो सरपंच की लिए भी जिम्मेदारी लेंगे। और गृहमंत्री अमित शाह खुद बहुत कष्ट उठाए हैं, जेलों में रहे हैं वो, भाजपा की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए। तो इसलिए वो लोग तपस्या कर रहे हैं, हम भी तपस्या कर रहे हैं, सब तपस्या कर रहे हैं कि अंतरिक्ष में भी अब हम दुनिया के उन देशों की बराबरी पर आ जाएंगे जो अंतरिक्ष में बहुत ऊंचाइयों को छू लिए हैं। हम गहराइयों में भी चले जाएंगे, हम धरती पर भी चले जाएंगे और हम आकाश में भी पहुंच जाएंगे। ये सब मोदी जी के नेतृत्व में होगा। मैं मोदी जी के स्वास्थ्य की, दीर्घायु की और लंबे समय तक राज करने की कामना करती हूँ। और मैं तय किया है कि वो 75 साल के तब हो पाएंगे जब मैं तय करूँगी, वो नहीं तय कर पाएंगे। गंगा और शिप्रा, मैं हमेशा से बोल रही हूँ कि महाकाल को सिर्फ शिप्रा चाहिए है, ओंकारेश्वर को नर्मदा का जल अविरल चाहिए है। शिवराज जी ने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और आपको पता होगा एक टरबाइन बंद कर दी गई ओंकारेश्वर, और उससे पानी निरंतर नर्मदा जी में आता है। यहाँ पर भी क्षिप्रा का जल ही बाबा को चाहिए है, यही बाबा की सबसे बड़ी सेवा है। तो इसलिए वो भी, इसके लिए भी सब प्रयास हो रहे हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा होने वाला है। मुझे लगता है कि ये जो पुरुषोत्तम मास दोनों सावन के बीच में आ गया, 2 सावन हो गए और 1 पुरुषोत्तम मास हो गया, ये अपने आप में बहुत कल्याणकारी साबित होगा भारतवर्ष के लिए और हमारे प्रधानमंत्री मोदी के लिए।